नमस्ते दोस्तों, पिछले कल हमारी फिल्म तेजस सिनेमा घरों में आई है। तेजस फिल्म की ओपनिंग ने एक बार फिर कंगना रनौत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया तो लाइव आकर कंगना विनती करने लगी कि प्लीज मेरी फिल्म देखने चले जाओ। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीचा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस भी बहुत पसंद आएगी। कंगना ने कहा कि कोविड के बाद 99% फिल्में पिट रही हैं, तो मोबाइल की बजाय थिएटर में फिल्म देखकर कलाकारों का हौसला बनाए रखें। 99% फिल्मों को ऑडियंस चांस भी नहीं देते हैं। मैं जानती हूँ इस आधुनिक दौर में हर एक के पास अपना मोबाइल फोन है और घर में टीवी है। कंगना रनौत ने एक तरह से विवेक अग्निहोत्री के फ्री टिकट बांटने का जिक्र करते हुए भी कहा, कोविड के पहले भी थिएटर का बिजनेस गिर रहा था, लेकिन कोविड के बाद पूरी तरह धराशायी हो गया। कई थिएटर बंद हो रहे हैं, फ्री टिकट बांटने और कई ऑफर देने के बाद भी लोग फिल्में देखने नहीं जा रहे। मैं लोगों से फिल्म देखने की अपील करती हूं, वरना थिएटर नहीं बच पाएंगे। थिएटर जो है हमारी सिविलाइजेशन का एक बहुत अहम हिस्सा, बहुत शुरू से है। थिएटर बचाने के बहाने एक तरह से लोगों से तेजस फिल्म देखने की अपील करने पर पब्लिक ने कंगना को सुनाते हुए कहा, मेरी एक सलाह है, जरूर से करना। आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछना, पिछले दिनों से जब से अंधभक्तिन बनी क्या पाया और क्या खोया, कहां से कहां आ गिरे देखते देखते। अरे बेचारी ने फिल्म के लिए क्या क्या नहीं किया, मोदी जी को भगवान क्या डाला, बीजेपी पार्टी के नेताओं से फिल्म प्रमोट कराई, एम्बेसी में जाकर इजराइल को सपोर्ट कर दिया, सनातन को प्रमोट कर दिया, लेकिन फिर भी भक्तों ने अपनी झांसी की रानी की फिल्म तक ना देखी। अब और क्या करे बेचारी अपनी भक्ति दिखाने के लिए। मामला फिल्मों की गुणवत्ता का भी नहीं है, बस ये है कि खुद गुलाम भी गुलामों को नहीं देखना चाहते। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कंगना रनौत से लेकर अक्षय कुमार तक ने अपने आप को सत्ता का गुलाम साबित किया, इसलिए दर्शक उन्हें नहीं मिल रहे। कंगना रनौत फिल्में न चलने पर दर्शकों को ब्लेम कर रही हैं कि थिएटर की बजाय मोबाइल में कंटेंट देखते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो शाहरुख खान की जवान और पठान हिट नहीं होती और साउथ की कई फिल्मों ने भी अच्छा बिजनेस किया। ऐसे में कंगना रनौत को दर्शकों को दोषी ठहराने की बजाय अपनी फिल्म के कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए। आप कंगना रनौत के इस तरह दर्शकों को दोषी ठहराने पर क्या सोचते हैं और ऐसे फिल्म देखने की विनती करने पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें।